आज हजारों तारीख लिखती है कि 10,000 दरहम में राहिब ने खूनी से उस सर को खरीदा। सर लेकर राहिब देर के अंदर गया, अरे पत्थर पर जाकर सर को रखा, रुमाल से सर को साफ किया। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, ये कर्बला मस्जिद है और मैं हूँ, और फाइनली अब हम निकल रहे हैं। फातिहा अभी अभी मैंने पढ़ ली है और अभी एक मजलिस पड़ी है और अब दूसरी मजलिस है इंशाल्लाह। तो दूसरी मजलिस भी रात में है, वो इंशाल्लाह देखते हैं। और अभी हम बस जस्ट अभी शिकारपुर से निकल रहे हैं, फिलहाल हम कर्बला के सामने ही हैं और इधर ही पीछे पापा निकल रहे हैं और यहाँ से सामने रोड। तो अब हम उस दूसरी मजलिस के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूर है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर होगा अराउंड। और अभी जस्ट हमने शिकारपुर से बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं। पहली मजलिस सही होगी माशाल्लाह से, और थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं पड़नी थी क्योंकि जुलूस भी था उसमें, तो इस वजह से ज़्यादा लंबी इसमें मजलिस को नहीं करें। ये सूरज में चमक बाकी है, मेरे कलम की हुकूमत बाकी रहे। और ये वीरन इसको मिला हुसैन के अंदर से। देखिए मेरे वतन शिकारपुर में एक हिंदू पंडित लक्ष्मण प्रसाद रहते थे। तकरीबन 25 से 30 बरस का अरसा गुजर गया, उन्हें इस दुनिया से गए हुए, उनके कोई औलाद नहीं होती थी, हर जगह से मायूस हो गए। किसी ने कहा हुसैन की बारगाह में चले जाओ, 10 मुहर्रम को हुसैन की बारगाह में आ गए, झोली फैला दी, ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, मुझे औलाद अता करो। हुसैन की बारगाह से बेटा अता हुआ तो अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी जिक्र हुसैन के लिए। बड़ी अच्छी उर्दू थी, बड़े अच्छे शायर थे, और जब भी मजलिस होती थी उनके बगैर मजलिस शुरू नहीं होती। देखिए मैं ये बात सीनियर्स कर रहा हूँ इसलिए कि आजकल तो हमारे यहाँ बदअकीदगी का बुखार चढ़ा हुआ है। उस हिंदू शायर के अकीदे की बुलंदी देखिए, क्या कहता है कि शब्बीर का बंदा हूँ गुनाहगार भी हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, शब्बीर का बंदा हूँ गुनाहगार भी हूँ, दोजख में न जाऊंगा खताबार भी हूँ। शब्बीर का बंदा हूँ गुनाहगार भी हूँ, दोजख में न जाऊंगा खताबार भी हूँ। और कल ले भी गए खेच के 10-20 मलक, अश्कों से बुझा दूंगा आजादार भी हूँ। यही सोचता हुआ चला था, अरे इस काफले में अरे कोई मर्द हो तो उससे बात करे, अरे देखा एक जवान खड़ा है, अरे कि जिसके हाथों में हथकड़ियां है, अरे पैरों में बेड़ियां है, लीजिए मेरा सलाम आखिरी
चुप है तेरी जबान सुलझना है कहाँ बाबा जान सुलझना है कहाँ बाबा जान तेरे पैरों से लिपटी मैं कहती रही बाद बाबा के जी नहीं पाऊंगी मेरे बाप।